द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन फर्स्ट ऑन हीटिंग एसीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एसीटोन की रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवानी है. एसीटोन सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स. फिर एसीटोन की रिएक्शन आपको क्लोरोफॉर्म से करवानी है के ओ एच की प्रेजेंस में. फिर बेंजल डिहाइड की रिएक्शन आपको एनिलिन से करवानी है. फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम से करवानी है. बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ए एल सी एल थ्री. बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड मीन सी एच थ्री सी ओ सी एल से करवानी है ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में. फिर बेंजल डिहाइड की रिएक्शन करवानी है एसिटिक एनहाइड्राइड से. अब देखो ये जो फर्स्ट है एसीटोन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मैंने आपको अल्कोहल की प्रिपरेशन में बताई थी. तो एक बार अपन ने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, एक बार एसिटाल्डिहाइड लिया था और एक बार एसीटोन लिया था. तो एसीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है. फिर एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से मैंने आपको ऑलरेडी बता दी. क्लोरोफॉर्म के कन्वर्जन में जब अपने पास क्लोरीटोन बनता है, ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है. यहाँ पे ये जो फोर्थ नंबर वाली रिएक्शन है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम, ये ड्यूमास मेथड या ड्यूमास प्रोसेस नेम रिएक्शन आपको जब अप्रैल में बताई थी तो ये भी बता दिए. ओके, अब अपन इसको देख लेते हैं. फिर भी मैं आपको एक बार वापस बता रही हूँ. एसीटोन दैट इज सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दैट इज आर एम जी एक्स. अब आर की जगह मैं अल्काइल ग्रुप में सी एच थ्री ले रही हूँ, एम जी को एम जी लिखा है और एक्स की जगह मैं बी आर ले रही हूँ दैट इज ब्रोमाइड. अब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसका वे क्या होता है, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, सो ऑक्सीजन एटम एक्वायर पार्शल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन एटम एक्वायर पार्शल पॉजिटिव चार्ज. हियर मेटल एक्वायर पार्शल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस अल्काइल ग्रुप कार्बन एक्वायर पार्शल नेगेटिव चार्ज. सो वॉट हैपन, दिस नेगेटिव पार्शल कंबाइन विद पॉजिटिव पार्शल दैट इज सी कंबाइन विद सी एच थ्री एंड दिस नेगेटिव पार्ट कंबाइन विद पॉजिटिव एम जी बी आर. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी ये एडिशन रिएक्शन हो गई. अब यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस होगा तो एम जी बी आर ओ एच अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी है ब्रोमाइड और ये ओ के साथ एच लग गया, मीन्स किसका फॉर्मेशन हो गया 3 डिग्री एल्कोहल का. अब नेक्स्ट आपको एसीटोन की रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में QH. तो एसीटोन हो गया सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है क्लोरोफॉर्म से. क्लोरोफॉर्म से करवा रहे हैं लेकिन किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में, ठीक है. तो CO ये जो H है वो O के साथ चला जाएगा और CCl3 इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरीटोन का. ये भी आपने क्लोरोफॉर्म के कन्वर्जन में पढ़ लिया है. नाउ नेक्स्ट, अब आपको बेंजल डिहाइड की रिएक्शन करवानी है एनिलीन से. ये बेंजल डिहाइड है C6H5CHO, एनिलीन C6H5NH2. क्या होगा, H2O का रिमूवल हो गया, मीन C6H5CH डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक हुए, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो डबल बॉन्ड के साथ N C6H5. तो बेंजल डिहाइड एनिलीन जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा और H2O क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव. ओके, नाउ फोर्थ वन है आपकी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम. सोडा लाइम दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड, तो आर सी डबल ओ एन ए. अब आर सी डबल ओ एन ए की रिएक्शन एन ओ एच और सी ओ एच से होगी तो एन ए टू सी ओ थ्री जो है वो रिमूव हो जाएगा और आर के साथ एच दैट इज एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा. यही रिएक्शन सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए से होगी एन ओ एच और सी ओ की प्रेजेंस में, तो सी एच थ्री एच जो है मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा और एन ए टू सी ओ थ्री रिमूव हो जाएगा. इस नेम रिएक्शन को आपको याद हो तो मैंने अप्रैल में बताया था, इसको बोलते हैं ड्यूमास मेथड या ड्यूमास रिएक्शन. नाउ नेक्स्ट आपकी थी बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से. ये बेंजीन है एसिटाइल क्लोराइड दैट इज सी एच थ्री सी ओ सी एल, तो एसिटाइलेशन होगा मीन्स सी एच थ्री सी ओ जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ क्या रिमूव हो जाएगा एच सी एल. तो सी एच थ्री ये वाला सी ओ सी एच थ्री यहाँ पे अटैच हो गया बेंजीन के ऊपर और एच सी एल रिमूव हो गया तो किसका फॉर्मेशन हो गया एसिटोफिनोन का. अब नेक्स्ट जो है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड की रिएक्शन आपको करवानी है एसिटिक एनहाइड्राइड से. ये रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ से दो हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग ऐसे होगी कि यहाँ पे एच रह जाएगा और ये ओ एच, तो एच यहाँ पे और ओ एच नीचे, तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, तो किसका फॉर्मेशन हो गया एसिटिक एसिड का. फिर सी सिक्स एच फाइव सी एच, ये दो हाइड्रोजन यहाँ से निकले तो डबल बॉन्ड सी एच और सी डबल ओ सी एक और ये एक और ओ ये एच सी डबल ओ एच, मीन्स यहाँ पे क्या हुई है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग हुई है. ये ऑक्सीजन यहाँ से दो हाइड्रोजन
एलिमिनेट हुए और वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए, नीचे की तरफ. ओके, नाउ नेक्स्ट गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन. अपने को केमिकल इक्वेशन देना है कन्वर्जन के लिए. एसिटल्डिहाइड फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से आपको एसिटल्डिहाइड बनाना है. फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से अब आपको फॉर्मल्डिहाइड बनाना है. एक बार आपको देखो फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करना है और एसिटल्डिहाइड बनाना है, फिर एक बार एसिटल्डिहाइड का यूज़ करना है और फॉर्मल्डिहाइड बनाना है. फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाना है, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाना है और फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है. ये सारा जो कन्वर्जन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी देम वन बाय वन. फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड लेके चल रहे हो और क्या लेके आ रहे हैं, एसिटल्डिहाइड. अब इसको अपन बोलेंगे कैसे, या तो आप यहाँ ये बोलो कि फॉर्मल्डिहाइड टू एसिटल्डिहाइड, या फिर ये बोलो कि एसिटल्डिहाइड फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड. तो फ्रॉम के वाले को अपन यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ कर रहे हैं और किस पे जा रहे हैं, एसिटल्डिहाइड. अब ये करने से पहले एक बार मैं आपको वापस से बता रही हूँ, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन, उसके ऑक्सीडेशन से कार्बोऑक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोऑक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से एल्कोहल. ये कन्वर्जन की जो साइकिल है इसको आप ध्यान रखना. आप सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे किससे, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड. एल्डिहाइड का यदि रिडक्शन होता है तो आपको भी पता है रिवर्स साइकिल आ रही है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, एल्कोहल. एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस और आयोडीन से होती है, तो CH3I मिथाइल आयोडाइड बन गया. इस मिथाइल आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में होती है, वुड्स रिएक्शन. इसको आपको पता है वुड्स रिएक्शन बोलते हैं, दो अल्काइल आयोडाइड लेते हैं और सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं, तो वुड्स रिएक्शन, तो NaI जो है वो रिमूव हो जाएंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NaI रिमूव हो जाएगा और CH3 एल्केन का फॉर्मेशन होगा. इसकी रिएक्शन हैलोजन से होगी Cl2 से, तो CH3CH2 Cl यहाँ पे लग जाएगा और एक H के साथ Cl रिमूव हो जाएगा. अब ये रिएक्शन जब एक्वेरियस KOH से होगी तो KCl रिमूव हो जाएगा, CH3CH2OH लगा. अब CH3CH2OH के का जब ऑक्सीडेशन होगा तो आपको पता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एल्डिहाइड. किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का. ओके, अब नेक्स्ट आपको एसिटल्डिहाइड से बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड. एसिटल्डिहाइड का यूज़ करो और किसकी तरफ जाओ, फॉर्मल्डिहाइड की तरफ. एसिटल्डिहाइड दैट इज CH3CHO, इसका यदि ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोऑक्सिलिक एसिड. तो ये एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड. इसकी रिएक्शन NaOH से हो रही है तो H2O का रिमूवल हो रहा है और CH3COONa एसिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम एसिटेट का. अब इसकी रिएक्शन NaOH और CaO से हो रही है तो Na2CO3 जो है वो रिमूव हो रहा है, Na2CO3, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्केन का. ये कौन सी प्रोसेस आ गई वापस, डीकार्बोक्सीलेशन या ड्यूमास मेथड. इसकी रिएक्शन यदि क्लोरीन से हो रही है तो HCl रिमूव हो रहा है, CH3Cl बन रहा है. फिर उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से हो रही है तो KCl रिमूव हो रहा है, CH3OH का फॉर्मेशन. फिर एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड. तो देखो यहाँ पे भी अपन ने क्या करा था, एल्केन बनाया, यहाँ पे भी अपन ने एल्केन बनाया. फिर एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से करवाई, यहाँ पे भी करवाई. फिर हैलोजिनेशन होने के बाद यहाँ पे अपन ने क्या करा, एक्वेरियस KOH से करवाया, यहाँ पे भी वही करा है. यहाँ पे अल्कोहल बना, यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना. फिर उसका ऑक्सीडेशन कराया तो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिला और इसके ऑक्सीडेशन से करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड. मीन्स दोनों में आपको वे तो सेम ही लेना है, बस आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एल्केन से आपको एल्डिहाइड पे जाने का रास्ता सेम है लेकिन कार्बन देखते हुए चलना. जब आप एसिटल्डिहाइड में देखोगे तो आपको दो कार्बन का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब आप फॉर्मल्डिहाइड में देखोगे तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO एक ही कार्बन है तो आपको एक ही कार्बन से करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाने. ओके, नाउ नेक्स्ट एसिटिक एसिड फ्रॉम फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH, उसके दो मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ. उसकी रिएक्शन सबसे पहले मैं करवा रही हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOHOH. अब OH और H, H2O, OH और H, H2O का क्या हो गया, रिमूवल. तो CaCOOH, CaCOOH किसका फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट. ध्यान रखना कैल्शियम फॉर्मेट. अब H की जगह यदि CH3CH3 होता तो कैल्शियम एसिटेट, H की जगह C6H5 होता तो कैल्शियम बेंजोएट. मीन्स आपको कैल्शियम के साथ एसिटेट, बेंजोएट, फॉर्मेट, इनका यदि बनाना है तो कुछ नहीं करना है. जो आपका फंक्शनल ग्रुप है,
फंक्शनल ग्रुप में जैसे आपने यहाँ पे लिखा है HCOOH, तो सिर्फ H को रिप्लेस करना है, बाकी को एज इट इज रखना है। यदि आपने लिखा है CH3COOH तो फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, बाकी आपको एज इट इज रखना है। अब यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट है, इस कैल्शियम फॉर्मेट की रिएक्शन सबसे पहले आपको करवानी है किससे, कैल्शियम एसीटेट से। सो वॉट हैपन हियर, मैंने आपको बताया जब भी कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑलवेज रिमूव होगा। यहाँ पे कितने कैल्शियम है, दो कैल्शियम, तो दो कैल्शियम कार्बोनेट आप रिमूव कर दो। कैसे, देखो CH3CHO किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का, वो भी एसिटल्डिहाइड, और दो मॉलिक्यूल क्योंकि दो CH3 और दो CHO, दो CH हो गए। अब यहाँ से सी ए, ये सी ए, सी ओ ओ और एक ओ सी ओ थ्री, तो सी यहाँ से सी ए सी ओ सी डबल ओ, मीन्स सी ए सी डबल ओ और ओ सी ओ थ्री, और सी ए सी डबल ओ और ये ओ, तो सी ओ थ्री, तो सी ए सी ओ थ्री के दो मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, दो मॉलिक्यूल आपके एसिटल्डिहाइड के बन गए। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एसिड, दो कार्बन वाला जो एसिड है वो कौन सा है, एसिटिक एसिड या विनेगर, तो CH3COOH, मीन्स फॉर्मिक एसिड से अपन किस पे आ गए, एसिटिक एसिड पे। ओके, अब फोर्थ वाले कन्वर्जन पे आपको क्या करना है, एसिटिक एसिड से जाना है फॉर्मिक एसिड पे। देखो ये वाला कन्वर्जन पूरा सेम है जैसे अपन ने इथेनॉल से मिथेनॉल बनाया था। आपको पता है इथेनॉल होता है CH3CH2OH, उसका पहले अपन ने ऑक्सीडेशन करा, तो ऑक्सीडेशन पे अपने को मिला CH3CHO मीन्स एल्डिहाइड, फिर उसका ऑक्सीडेशन करा तो CH3COOH, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गया किससे, CH3COOH। मीन्स मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाह रही हूँ, देखो जब अपन ने इथेनॉल लिया था तो CH3CH2OH था, उसका जब अपन ने ऑक्सीडेशन करा था तो CH3CHO बना था, उसका ऑक्सीडेशन करा था तो CH3COOH बना था। तो ये वाली स्टेप आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, दैट इज एसिटिक एसिड से स्टार्ट करो, फिर बाद में पूरा यहाँ तक सेम है, कौन सी, इथेनॉल से मेथेनॉल, ठीक। तो ये वाली आपको पूरी सेम है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बार NH3 से रिएक्शन होगी तो एडक बनता है, उसको हीट करेंगे तो H2O का रिमूवल होता है, अमाइड बनता है CH3CONH2, उसकी रिएक्शन Br2 और KOH से होती है, मीन्स हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन से, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है यहाँ पे नेम रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है CH3NH2, ठीक, CH3NH2 1 डिग्री एमीन बनता है। इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से मैंने आपको बताई थी, नाइट्रस एसिड से जब भी रिएक्शन होती है तो N2 रिमूव होता है, एक H2O रिमूव होता है, ठीक। यहाँ पे देखो H2O रिमूव हो गया, N2 रिमूव हो गया, दो ऑक्सीजन थे, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन, तो CH3OH यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड HCHO, इस एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एक कार्बन वाला एसिड HCOOH, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे आपको CH3 लिखने की जरूरत नहीं, कार्बन थोड़ी बढ़ रखता है। आपको भी पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे अपने को एल्डिहाइड मिलता है, उसमें ना तो कार्बन कम होता है ना बढ़ता है, तो आप अपनी मर्जी से कार्बन का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो अल्कोहल से जब अपन एल्डिहाइड बना रहे तो कार्बन को सेम रखना है 1 डिग्री के केस में, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से जब अपन एसिड बना रहे तो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम को क्या रखना है आपको, सेम। नाउ नेक्स्ट और लास्ट है फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपीन। यूरोट्रोपीन का जो कमर्शियल नेम होता है दैट इज हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन, ठीक है, ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है यूरोट्रोपीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। देखो जब अपन फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे तो हेक्सामेथिलीन मीन्स CH2 कितने होंगे, 6, और टेट्राएमीन मतलब N वाला जो डेरिवेटिव है वो कितने होंगे, 4, तो CH2 होल 6 N 4 प्लस 6H2O, ये रिएक्शन होगी। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, 3 नाइट्रोजन और 3 कार्बन, पहले अल्टरनेट लगा दो, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, ये अल्टरनेट हो गए मीन्स 3 3, तो 6 मेंबर रिंग हो गई। एक नाइट्रोजन आप सेंटर में लगा दो, फिर आपको पता है कि मिथिलीन है मीन्स CH2 है, तो जहाँ कार्बन दिया वहाँ CH2 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 कर दो, और सेंटर वाले नाइट्रोजन से CH2 का क्या लिंकेज कर दो, ऊपर भी लेफ्ट की साइड भी और इधर राइट की साइड भी, तो आप को जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज यूरोट्रोपीन। अब यहाँ पे देखो NH2 1 2 3 4 5 6 6 NH2 1 2 3 4 4 क्या हो गया आपका N, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड हो रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन।